नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक आज आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का पर्यावरण योम वन मंत्रालय का, पर्यावरण योम वन मंत्रालय का सृजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 17 सितंबर 1985। चलिए अगला है, दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह हमारा 1986 को पारित किया गया। चलिए अगला है, गंगा कार्य योजना प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? यह हमारा 1985 में किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? यह हमारा 1973 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब किया गया? यह हमारा 2010 में पारित किया गया था। अगला है, प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है, कौन सी है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो कौन सा शहर है? बुकलिन, जो USA में पड़ता है। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी देख सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या लिखा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो कौन सा यौगिक है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन, और कहाँ के थे? इंग्लैंड के। कब पता किया था? 1985। चलिए अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी परियोजना किस नदी पर योजना की अनुकृति है? तो टेंसी नदी पर, 1940 में USA में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की, क्या पूछ रहा है? विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं? एक येलो नदी है, जो कहां पाई जाती है? चीन में है। और अगला है गंगा, जो भारत में। अगला है, अस्थाई विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? जल विद्युत। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल स्टीनर है। चलिए यहां पे देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कॉल रिटर।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था, तो कब मनाया गया था, या 1965 से 1974 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अस्थाई विकास, क्या लिखा है, अस्थाई विकास सस्टेबल, ये क्वेश्चन दो बार हो गया है। अस्थाई विकास सस्टेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया था। अगला है भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो यह जल विद्युत है। चलिए ये सब क्वेश्चन दो बार हो चुके हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ से था 17 नंबर, यहाँ से है हम लोग का औद्योगिक औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, तो कहाँ प्रारंभ हुआ, यह इंग्लैंड में हुआ था। अगला है मेघ विजन क्लाउड सीडिंग में कौन किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक। अगला है पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन हम लोग का लास्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वह कौन सी नदी है, वह हमारी नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। तो ये आज थे पर्यावरण के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी देख सके। थैंक्स।